तो बाय द टाइम यू आर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, हम लोग किसी एक राइड के लिए निकल चुके होंगे जिसका वीडियो आपको इसके बाद देखने मिलेगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू बी टॉक अबाउट। हमने 10,000 किलोमीटर इस बाइक पे कंप्लीट किए हैं। सो एक रिव्यू टाइप सा वीडियो बनाएंगे, थोड़ी जो चीज़ें हैं वो शेयर होनी चाहिए। तो 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद जो रिव्यू है मेरा अबाउट दिस BMW G310 GS, सो उसके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि आई एम नॉट ए एक्सपर्ट, मैं एक एज अ कंज्यूमर करके फीडबैक दे रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे सो हैव अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो सीन्स कुछ ऐसे है कि ये वीडियो स्टार्ट करेंगे कि हाउ आई बॉट दिस बाइक, आफ्टर दैट क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं इस बाइक के बारे में, एंड थोड़े कंक्लूजन मैंने पूरा नोट डाउन करके रखा है कि क्या मुझे बोलना है, सो कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि हाउ आई बॉट दिस बाइक। हम लोग कोई अमीर घराने से नहीं है कि जिसके पास घर के पीछे कोई बड़ा पेड़ है जो हिलाया और नई बाइक या नई कार ले ली। आई एम बॉर्न फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। हमने ऐसे भी दिन देखे हैं जिस टाइम टीवी की जो ट्यूब होती है वो उड़ जाने के बाद पूरा लाल टीवी दिखता है। सो ऐसा लाल टीवी विथ फ्री चैनल्स, तभी इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम लोग टाटा स्काई या जो डिश टीवी है ऐसी कोई चीज़ ले। तो 2,500 रुपीज़ का एक डिश आता था जिसपे फ्री चैनल चलते थे, तो वही डिश एंड वही लाल वाला टीवी, उसके ऊपर हमने 6 मंथ चला लिए। आफ्टर सर्वाइविंग दिस स्ट्रगल सिचुएशन कुछ अच्छे दिन आए थोड़े लाइफ में। सो आई बॉट माय फर्स्ट बाइक होंडा ड्रीम युगा, जो आज भी मेरे पास है। इट राइड अराउंड 1 लाख, मोर देन 1 लाख किलोमीटर उसको चलाया है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे फैमिली सिचुएशन अच्छे हो गए, थोड़ा फाइनेंशियली हम स्टेबल होते गए, तो एक एक्टिवा ले ली मेरी बहन ने। देन इन 2016 वी बॉट अर्टिका, जो अभी भी हमारे पास है, एक फैमिली मेम्बर के जैसे अभी भी हमको रखते हैं। एंड बाइक लेना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, आप यू जाके आप बाइक खरीद सकते हो। लोन भी आजकल इजी हो जाता है, 7 डेज में लोन डिसबर्स हो जाता है और गाड़ी आपके घर के सामने। मगर सीन कुछ ऐसे है कि जो बाइक मैं देख रहा था वो थी रॉयल इनफील्ड हिमालयन 400 जो सीसी जो आती है वो वाली। एंड ऐसा बहुत बार हुआ हो चुका है कि शोरूम में जाते हैं, बाइक देख लेते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले लेते हैं, एंड जब भी प्राइस पता चलता है कि बाइक की कॉस्ट अराउंड 240-260 उस टाइम हुआ करती थी BS4 मॉडल के लिए। सो उतने पैसे कभी हुआ नहीं करते थे जेब में। एंड 2 साल मैंने कड़ी मेहनत की टू सेव सम मनी टू बाय अ गुड बाइक फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आप तो 110 cc वाली बाइक के ऊपर लॉन्ग राइड नहीं कर सकते हो। आपको भी पता है जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाते हैं, बैक पेन हो जाता है या दूसरी चीज़ें। सो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि एक अच्छी वाली बाइक लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऐसी बाइक होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं टोटली रिलायबल रहूँ। अगर मुझे रात में भी कहीं लगा कि मैं कहीं घूमने निकल जाऊँ 4-5 दिनों के लिए, सो मुझे सोचना ना पड़े कि इसमें सर्विसिंग हुई है या नहीं या ये साथ देगी या नहीं। तो ऐसी मुझे बाइक लेनी थी। फ्रॉम 2016 टू 2018 2 साल मैंने पैसे जमा किए। एंड 2018 में जब भी हम लोग विंडो शॉपिंग कर रहे थे बाइक की, तो हर एक शोरूम में कॉल लगाया गया, रॉयल इनफील्ड हो गया। उस टाइम कावासाकी की वर्सेस 300 आई थी, न्यूली लॉन्च थी, तो उसकी भी प्राइस देखी थी, मगर वो थोड़ा सा आउट ऑफ बजट जा रही थी बिकॉज द वर्सेस कॉस्ट अराउंड 5 or 550 आई गेस। सो ऐसे ही कॉल लगाया गया BMW मोटरहेड को एंड पूछा गया बाइक के बारे में कि आई नो BMW गोइंग टू लॉन्च मिनी वर्जन ऑफ द 1250 GS, एंड उस टाइम 2018 में ही ये GS आ चुकी थी। एंड ऐसा ग्लिम्सिस और प्राइजेस पता चल गए थे कि द प्राइस वुड बी अराउंड 450 to 470, मगर लक इतना अच्छा रहा कि 2019 में जब भी मैंने ये बाइक परचेस की, सो उस टाइम उनके पास हार्डली कुछ लास्ट स्टॉक बचा था एंड BS6 आने वाली थी, मगर उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था कि फिक्स डेट नहीं थी कि कब आएगी एंड बाकी की चीज़ें। सो उस टाइम मुझे मेरे पास पैसे भी थे, सो आई बॉट द BMW G310 GS BS4 वर्जन। मैंने कभी भी लाइफ में सोचा नहीं था कि BMW वाला ऐसा बड़ा ब्रांड, जो हम लोग रोड पे खड़े होके दूसरों को देखते हैं कि ये BMW की बाइक जा रही है या कार जा रही है, सो वैसे वाली ब्रांड की बाइक अपने पास होगी तो जिंदगी कैसे होगी।
सो आई बॉट दिस बाइक इन 2019 चैन में. सो ये बात हो गई कि 2019 में मैंने कैसे बाइक परचेस की. लोन पे है अभी भी, इन जनवरी 2022 को उसका लोन ख़त्म हो रहा है. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे जमा किए, मगर ठीक ठाक सेविंग की, उसके ऊपर थोड़ा लोन किया गया एंड बाइक ले ली. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि जो अच्छी चीज़ है इस बाइक के बारे में. सो BMW एक ऐसा नाम है जिनकी बाइक स्पेशली जानी जाती है ऑफ रोडिंग के लिए, एंड ऐसा एक बड़ा ब्रांड आपके पीछे होगा. जिसे मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि ऐसा बड़ा ब्रांड आपके पास होगा, सो बहुत सी चीज़ें जो है वो इजी हो जाती है. दूसरी चीज़ इस बाइक के बारे में अच्छी है कि जो सर्विस इंटरवल है बिटवीन टू सर्विसेज जो है वो 10,000 किलोमीटर बाद आपको सर्विसिंग करना है. बीच में कहीं भी आपको आना नहीं है. आफ्टर परचेसिंग योर बाइक 1 साल या 10,000 किलोमीटर, जो दोनों में से जो अर्ली आ जाएगा, सो उस हिसाब से आपको बाइक की आपकी सर्विसिंग करनी है. सो ये एक बात मुझे अच्छी लगी कि मुझे एवरी टाइम शोरूम में नहीं जाना पड़ेगा, जिसे बाकी ये बाइक ब्रांड्स में होता है कि एवरी 5,000 किलोमीटर के बाद आपको विजिट करना पड़ता है शोरूम को. तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी. सो वो ये एक अच्छी चीज़ है, बिग थम्स अप फॉर दैट. और एक अच्छी बात है इस बाइक के बारे में कि एवरेज जभी मैं ये बाइक किसी बाहर लोकेशन पे जाता हूँ, गुजरात गया हूँ, गोवा गया हूँ, दमन गया हूँ, सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना देती है, एवरेज कितना है बाइक का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर माई एक्सपीरियंस, ये मेरा रिव्यू है कि दिस बाइक गिव अराउंड 30-35 एवरेज, जो मुझे तो मिला है एटलीस्ट. सो उतना एवरेज ऐसी बड़ी बाइक के साथ मिलना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप इसको ही कंपेयर करेंगे दूसरे ब्रांड्स के साथ, सो द नॉर्मली 25-30 एवरेज आ जाता है. तो सिमिलर एवरेज आ जाता है इस बाइक में भी, एंड अगेन द ब्रांड क्वालिटी इज रियली मैटर. सस्पेंशन ऑफ द बाइक के सस्पेंशन रियर एंड फ्रंट बोथ आर वेरी कंफर्टेबल फॉर ऑल द राइडिंग. जो एक्सपीरियंस मुझे आया है आफ्टर राइडिंग 7 or 9 आवर्स ऑन अ बाइक विद अ सिंगल और ड्यूअल स्ट्रे, तो बाइक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन द टर्म ऑफ कंफर्ट. दोनों सस्पेंशन बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी के है. इफ़ यू आर कंपेयरिंग दिस विद अदर बाइक्स, मुझे तो लगता है कि 10 out of 10 दिया जाना चाहिए इस सस्पेंशन क्वालिटी में. साथ ही साथ ये बाइक बहुत ही लुक एट्रैक्टिव है. अगर आप बाइक को किसी जगह पे लेके जाते हो तो बहुत सारे लोग इसकी फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ जाता है इस बाइक के ऊपर कि ये कौन सी बाइक है. लोग आते हैं सामने से पूछते हैं एंड एक इम्प्रेशन ही अलग गिर जाता है. ये तो सारी हो गई जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी इस बाइक के बारे में. थोड़ी बुरी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें नहीं कह सकते, थोड़ी डाउन साइड वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा. सो बात थोड़ी बड़ी है तो फ़ोन साइड में रखते हैं. मैंने पॉइंट्स पहले से ही नोट डाउन किए हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे शेयर करनी है. सो फर्स्ट डाउन साइड ये मुझे लग रहा है कि अगर इस बाइक को मैं कहीं लेके जा रहा हूँ, सो पार्किंग प्रायोरिटी मस्ट है. अगर आप इस बाइक को कहीं भी लॉन्ग राइड के लिए लेके जाते हो, सो आपको भी पता है ये बाइक थोड़ी लुक एट्रैक्टिव है. सो पीपल आर कमिंग टू चेक योर बाइक, एंड अगर आप वहाँ पे नहीं होगे एवरी टाइम तो आप बाइक को लेके नहीं बैठ सकते. सो अगर आप पार्किंग अच्छी होगी तो ठीक है, अगर पार्किंग बुरी होगी या कुछ भी हो, सो लोग बैठ जाते हैं बाइक पर, उसके ऊपर भी कोई इश्यू नहीं है. मगर अगर किसी ने बाइक गिरा दी तो भाई साहब जो फटका लगेगा वो दिल के साथ साथ जेब को भी लगेगा. सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी अट्रैक्टिव के साथ साथ आपको इसका ध्यान रखना है कि पार्किंग अच्छी हो. अगर आप कहीं भी राइड करते हो, आपने मुझे भी देखा होगा कि मैं लोकेशन से ज़्यादा मैं पार्किंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करके बाइक ली है, उसकी पार्किंग एंड सेफ्टी इज़ मस्ट प्रायोरिटी फॉर मी. मुझे छोटी वाली जगह मिल गई सोने के लिए तभी भी चलेगा, मगर मुझे पार्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बड़ा 7-star वाला कोई सीन हो, मगर जो भी हो एटलीस्ट सेफ हो, सेफ हालत में हो, इस हिसाब से चाहिए.
एवरी टाइम आपको कुछ भी इशू हो इस बाइक में तो आपको सर्विस सेंटर पे डिपेंडेबल होना पड़ता है, आप कहीं बाहर इसका कोई काम नहीं कर सकते हो। जैसे नॉर्मल अगर बाइक्स होगी इन सेगमेंट में तो आप नॉर्मली बाहर भी लोकली आप काम कर सकते हो, मगर इस बाइक के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी जो आती है सो उसको अगर आपको अवॉइड नहीं करना है या उसको लैप्स नहीं करना है सो आपको एवरी टाइम अगर कुछ भी इशू हो जाए इस बाइक में सो आपको इसको सर्विस सेंटर में ही लेके जाने पड़ेगी। एंड ये थोड़ी सी डाउनसाइड लग रही है मुझे, बिकॉज अगर आप कहीं प्लान कर रहे हो कोई बड़ी ट्रिप हो एंड खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, अगर बाइक में कुछ इश्यू आ जाए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है कुछ भी हो सकता है सो अगर कोई इशू आ जाता है सो आप कहाँ रात में बैठ के सर्विस सेंटर ढूंढते बैठेंगे, कब आपका RSA आएगा एंड कब आपकी बाइक जाएगी रिपेयर होगी एंड उसके बाद फिर आप अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो ये थोड़ी सी डाउनसाइड लग रही है कि जो पूरे डिपेंडेंसी है पूरे शोरूम के ऊपर ये थोड़ी सी कहीं कम होनी चाहिए, विच आई बिलीव। बाकी आपका कमेंट सेक्शन है, आप बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है इस चीज़ के बारे में। थर्ड जो नेगेटिव साइड मुझे लगी है कि आप इस बाइक को पिलियन के साथ राइड नहीं कर सकते हैं। मैंने पिलियन ट्राई किया है, नॉर्मल वेट भी ट्राई किया है, थोड़े हेवी वाले भी ट्राई किए हैं, पिलियन के लिए ये सीट कंफर्टेबल नहीं है इस बाइक के ऊपर। अगर पिलियन बैठ जाता है नॉर्मल डिस्टेंस पे चल जाएगा 40-50 मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर, उसके बाद मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पिलियन के साथ इस बाइक पर राइड करें, बिकॉज़ क्या हो जाता है कि जो फुटपैक है पिलियन का वो थोड़े से ऊपर है एंड उसके वजह से क्या होता है कि जो एल्बोज होती है पिलियन की वो आपके पूरे बॉडी को टच होती है। थोड़े टाइम सफ़र करने के बाद एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि पिलियन का पूरा लोड आपके ऊपर आ जाता है एंड आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छी साइन है कि अगर पिलियन का वजन आपके ऊपर आ जाए सो आप भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, बिकॉज बंदा राइड के लिए निकलता है तो सामान ढोने के लिए तो नहीं निकलता। सो मुझे यही लगता है कि जो सीट है वो थोड़ी सी कहीं बड़ी होनी चाहिए या थोड़ी सी बैक साइड जो है वो थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए सो पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल हो एंड राइडर के लिए भी सो राइडिंग भी अच्छी हो जाए। BS6 वर्जन आने के बाद बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, नॉट ओनली दिस कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, मेरे दोस्त की खुद की सुजुकी की बाइक है उसमें भी इशू आ रहे हैं, फर्स्ट डेली सेकंड डे में इशू आ गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि BS6 में अपग्रेड करने के बाद बहुत सारी कंपनियों की इशू आ रहे हैं रिलेटेड टू द बैटरी एंड अदर स्टफ, तो ये थोड़ी सी चीज़ें अगर कम हो जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी राइडर की भी एंड कंपनी की भी। सो थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, नॉट फॉर ओनली फॉर दिस कंपनी, बाकी की कंपनी ने भी। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि इफ़ यू आर कंपेयरिंग दिस बाइक टू KTM 390 ADV हिमालयन एंड डोमिनर, तो मुझे ऐसा लगता है कि डोमिनर KTM या कोई भी बाइक हो उनका सेगमेंट ही अलग है कंपेयर टू दिस बाइक। हर एक कंपनी उसकी नॉलेज के हिसाब से उनके राइडिंग कल्चर के हिसाब से बाइक बनाती है। अगर आप सालों से KTM चलाते आए होगे तो आपको KTM की ही बाइक पसंद आएगी, अगर सालों से आप रॉयल इनफील्ड चला रहे हो अगर ये बाइक हाथ में दे दी तो आपको रॉयल इनफील्ड की बाइक थोड़ी बुरी लग जाएगी। सो वैसी वाली चीज़ें हो जाती है कि अगर आपको थोड़ी सी अपग्रेड वाली चीज़ मिल जाती है सो आपको अपनी चीज़ें थोड़ी बुरी लग जाती है। हर एक बंदे का राइडिंग स्टाइल अलग होता है, उसका कम्फर्ट लेवल अलग होता है, सो वही बाइक लीजिएगा जिसके ऊपर आपको अच्छा लगे, आपको राइडिंग अच्छा लगे उस बाइक के ऊपर। सो वही बाइक परचेस कीजिएगा जो आपको अच्छे लगे, आपके राइडिंग स्टाइल को मैच करे, यही मेरा सजेशन होगा कि अगर आप कंपैरिजन करने से अच्छा जो बाइक आपको अच्छे लगे वो बाइक आप ले लीजिएगा। ये वीडियो यही एंड करते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी अबाउट दिस बाइक कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें फ़िलहाल तो नहीं है अभी तक, दो टच होल्ड 1.5 साल हो गया मुझे ये बाइक चलाते हुए, अभी तक मुझे कोई भी इश्यू नहीं आया है, जस्ट जो सर्विस डिपेंडेंसी है शोरूम के ऊपर वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए विच आई बिलीव, बाकी की सब चंगा सीन है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको पता है कब आने वाला है, सो आई एम प्लानिंग टू ड्रॉप अ वीडियो एवरी थर्सडे और सैटरडे, दोनों में से एक दिन आ जाएगा। एवरी वीकेंड का वीक का प्लान चल रहा है कि हर एक वीक में एक एक वीडियो डाला जाए,
सो आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको कौन से दिन वीडियो चाहिए, सो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँ एंड शेड्यूल करूँ। साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एंड आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 1000 सब्सक्राइबर के नज़दीक आ चुके हैं। एंड जैसा मैंने कहा था कि गिव अवे होने वाला है, तो वो स्पेशल गिव अवे की भी तैयारी चालू है बैकएंड में। सो बस वीडियो यही ख़त्म करते हैं, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लव दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन, अगर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब हो जाना। एंड विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, सायनारा, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। एंड एक्सेसरीज वाला भी वीडियो आएगा जल्द ही, उसके बारे में बातें करेंगे, जो होती है वो इंस्टाग्राम पे मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा एंड ऐसी प्यार एंड मोहब्बत बरसाए रखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरे थाम बने यार, ओए थाम ना जरा, कितने जोर जोर है।